हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेज़न का शॉपिंग हॉल। सो एज यू ऑल नो, आई एम अ न्यू मदर राइट नाउ। मैंने जो शॉपिंग किया है वो उसी तरीके से किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए किया है, बिकॉज माई बेबी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मी एंड आई एम डूइंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू हर। तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली कपड़े मंगवाए हैं, तो करंटली मैं अभी यही इसी तरीके के कपड़े पहन रही हूँ, प्रेफर कर रही हूँ पहनना भी। और मैंने थोड़े से बाहर पहनने के टॉप मंगवा रखे हैं ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली अगेन, क्योंकि ये जो जिस तरीके के मैं टॉप्स पहन रही हूँ ना, काफ़ी सिंपल है। एंड अभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 महीने हो चुके हैं एंड मैंने अपना थोड़ा वेट भी रिड्यूस कर लिया है। तो ये मैंने काफ़ी बड़े साइज के मंगवाए थे, LL साइज के मंगवाए थे एंड नाउ आई थिंक आई कैन वियर M अगेन। मतलब मैं अब M साइज पहन सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि L साइज जो है वो काफ़ी बड़ा और लूज हो गया है। तो ये सब तो मैं घर पर पहनती हूँ, 4-5 कुछ टॉप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ थोड़ी बाहर पहनने वाली टाइप के मैंने टॉप्स मंगवा रखे हैं। और एक बॉटम वेयर मंगवाया है जिसको मैं ऑलरेडी पहन रही हूँ फ्रॉम लास्ट 1 month एंड अमेजिंग बॉटम वेयर है, बहुत ही कंफर्टेबल। सो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ Amazon पर चल रही Amazon वार्डरोब रिफ्रेश सेल। शॉप नाउ एंड गेट 50-80% ऑफ ऑन टॉप फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स, 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स, ग्रेट प्राइसेस एंड अनबीटेबल डील्स ऑन 1 lakh प्लस लेटेस्ट स्टाइल्स। गेट 20% कैशबैक ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, 30 days इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑन फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट से। ये है बॉटम वेयर जो कि मैंने मंगवाया था, मतलब ये जैसी मेरी डिलीवरी हो गई थी उसके आई थिंक 15-20 days बाद मैंने हमारा जो लड्डू है वो यहीं पे लेटा हुआ है, इसकी आवाज़ें आपको बैकग्राउंड में आती रहेंगी, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। सो ये है बॉटम वेयर, बहुत ही अमेजिंग है। ये है स्प्लैश ब्रांड का और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। मैंने ये L साइज में मंगवाया था और ये जो बॉटम आप देख रहे हैं ना, ये इवन आप प्रेगनेंसी में भी वेयर कर सकते हैं, मतलब इफ़ यू आर करेंटली प्रेगनेंट तो आई थिंक आप ये बहुत आराम से वेयर कर सकते हो, बिकॉज ये इतना कम्फर्टेबल है, ये उल्टा आपका जो बेली है ना उसको सपोर्ट देता है बहुत अच्छे से। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं अभी इसी को ही कैरी करती हूँ। इसका जो बॉटम है स्ट्रेट फिट है, मैं अभी आपको पहन के दिखाऊंगी तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल जाता है। तो मतलब शायद मैंने प्रेगनेंसी में तो नहीं बुलवाया था, कोई भी इस तरीके का पैंट्स नहीं पहने थे मैंने, मतलब पैंट्स नहीं पहने थे, बट अभी मुझे ज़रूरत लगती है तो दैट्स वाई आई बॉट दिस वन। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला प्रोडक्ट। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट और एंकल लेंथ है और उसके बाद पहनने में कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसको पहन के एकदम आलती पालती मान के बैठ सकते हो। तो आप इवन घर में पहनने के लिए भी इस तरीके के बॉटम्स मंगवा सकते हो, इट्स अमेजिंग। हालांकि मैं इसको बाहर पहन करके जाती हूँ। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारे प्लेन टॉप्स हो गए थे, तो मुझे ना थोड़े से फ्रीली फ्रेंडली बाहर पहनने के लिए भी टॉप चाहिए थे, जैसे कहीं मैं बाहर जाऊँ और अभी मैं थोड़े टाइम बाद ट्रैवल करने वाली हूँ, तो मुझे ऐसा था कि एयरपोर्ट वगैरह पे मुझे अनईजी ना लगे, बिकॉज मैं उसको अभी भी बॉटल फीड नहीं करवाती हूँ, ना ही मैं ब्रेस्ट फीड को बॉटल में निकलवा के उसको फीड कराती हूँ। मतलब मैं अगर पब्लिक प्लेस पर जा रही हूँ तो आजकल तो हर जगह पे बेबी केयर रूम्स होते हैं, वहाँ पर जाके करवा देती हूँ मैं। तो अभी तक मैंने ब्रेस्ट पंप वगैरह कुछ भी परचेस नहीं किया, मतलब मेरा काम चल रहा है बिकॉज मैं घर पर ही रहती हूँ, तो इतना कुछ मुझे इशू नहीं आया है। तो इसलिए मैंने थोड़े से ना फीडिंग फ्रेंडली टॉप्स जो थोड़े बेटर लगे पहनने में वो मंगवाए हुए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टॉप जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कॉटन का है और जब आप इसको पहनते हो ना तो ये यहाँ से अजीब नहीं लगता है, मतलब लगता नहीं अलग से, एकदम ऐसे फोकस नहीं आता है कि ये फीडिंग फ्रेंडली टॉप है। हालांकि फोकस जाए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके स्लीव्स वगैरह भी सब कुछ काफ़ी अच्छा है। ये जो मैंने मंगवाया है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड हाउस ऑफ ज़ेलिना और आई एम द साइज M। तो इनके ना कुछ प्रोडक्ट्स मैंने 2-3 और प्रोडक्ट्स मंगवाए, इनके कुछ प्रोडक्ट्स एम साइज के काफ़ी बड़े हैं और कुछ प्रोडक्ट्स एम साइज के काफ़ी छोटे हैं। तो ये जो है एकदम मुझे फिट आया है, जो टॉप आया है पीछे से मेरा चीयर लीडर मुझे चीयर कर रहा है, सो काफ़ी फिट आया है। मैं अभी आपको पहन के दिखाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर इसे टाई वाला पैटर्न का है, तो ओवरऑल आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट की मुझे बहुत पसंद आया है, मतलब मैं इसको डेनिम वगैरह पे कैरी कर सकती हूँ। दिस इज द टॉप जिसकी मैं बात कर रही थी और ये भी मेरा M साइज का है, कॉटन है 100% मटेरियल इसका। और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको इसे पता नहीं चलेगा कि फीडिंग फ्रेंडली है कि नॉर्मल टॉप है, इस तरीके का मुझे लगा ये। तो डेफिनेटली बाहर वगैरह पहनने के लिए डेनिम पे पहन सकती हूँ मैं। तो मुझे ये टॉप भी बहुत बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इफ यू आर प्रेगनेंट एज वेल तब भी आप इसी तरीके के, मतलब मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी इफ यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेगनेंट, या आप प्रेगनेंट हो भी गए हैं या आपका बच्चा है छोटा सा, तो फीडिंग फ्रेंडली कम से कम 3-4 टॉप्स रखिए, बहुत लाइफ इजी हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। वो भी पीछे से बोल रही है हाँ।
माय नेक्स्ट टॉप वो है ये, मैंने एम साइज में मंगवाया था बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बल्की लग रहा है मेरे ऊपर, मतलब ये बहुत ही बड़ा है, इतना ब्रॉड। मैंने बोला ना कुछ साइजेस एम बड़े आए हैं, कुछ साइजेस एम एकदम प्रॉपर आए हैं मुझे, तो ये तो मुझे बहुत बड़ा लगा है। लग ये बहुत सुंदर रहा था बट मेरे बॉडी टाइप पे ये सूट इतने अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा एंड बल्की बल्की सा लग रहा है फ्रॉक स्टाइल में, मतलब थोड़ा लॉन्ग कुर्ता स्टाइल में। इसके जिप इधर पे साइड्स में दिए हैं जो आपके आपको दिखेंगे भी नहीं, मतलब इतना नॉर्मल लगेगा ये टॉप। तो अच्छा लगा मुझे ये वाला टॉप भी, बट वही है कि ये थोड़ा सा बड़ा आया है मुझे, तो मे बी इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। बाकी है बहुत सुंदर टॉप, कॉटन का है प्योर। कमिंग टू माई नेक्स्ट टॉप इज दिस ब्यूटिफुल ग्रीन टॉप, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ये है साइज एम, सो ये है, ये चेन वाला स्टाइल में। चेन वाले मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। अभी जो मैं टॉप पहनी हूँ दिस इज अ फीडिंग फ्रेंडली टॉप ओनली, मैं थोड़ा सा खड़े होकर के बताती हूँ। सो दिस इज अ विदाउट जिपर, इसके अंदर कोई भी जिप नहीं होती है, तो ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, फट से हैंडल करने में बहुत ईजी होते हैं। तो बट स्टिल ये वाला मुझे अच्छा लगा था, इसका पैटर्न कलर सब कुछ बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉप। नेक्स्ट टॉप इज दिस ब्यूटीफुल वेरोमोडा का टॉप मंगवाया है मैंने। दिस इज नॉट एक्चुअली द फीडिंग फ्रेंडली टॉप, मुझे ये काफी अच्छा लग रहा था, और इसका जो ऊपर का इलास्टिक है ना वो ऐसा है कि आप आराम से इसमें कवर करके फीड करवा सकते हो, मतलब फीडिंग फ्रेंडली इतना ज्यादा नहीं है बट फिर भी इतना कम भी नहीं है, इट्स दैट काइंड ऑफ अ टॉप, मुझे काफी अच्छा लगा। सो ये है नेक्स्ट टॉप, पहन के दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट इज दिस, ये भी मुझे काफी बड़ा आ गया है एक्चुअली, अगेन दिस इज इन द एम साइज, को मैं घर में पहनने के लिए रखूंगी, बहुत कंफर्टेबल भी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका। सो ये है मेरा नेक्स्ट टॉप, इसको भी मैं पहन के दिखाती हूँ आपको तो और अच्छे समझ में आएगा। ओके कमिंग टू माई नेक्स्ट टॉप इज दिस टॉप, अगेन ये जिप वाला है, ये जिपलेस नहीं है, जिप वाला है, बट दिस इज अ वेरी स्मार्ट टॉप, अच्छा लग रहा था, ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये है नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉप, ये देखिए नीचे से, नीचे से सब इस तरीके के हैं कि आपका जो बेली होता है ना वो कवर कर लेते हैं ये टॉप्स। जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो भूलेगा मत उनको देखना। लेट डू से हेलो टू एवरीवन, हेलो हेलो, हाँ जी, जीभ नहीं निकालते, स्माइल करते। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा अच्छा खासा ठंडक हो गई है, तो इसलिए ये जो पूरा रोम्बर पहनी हुई है, ये स्वेटर वाला पहनी हुई है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो भूलिएगा मत, अमेजन पर चल रही है अमेजन वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जिसमें आपको 50-80% तक का ऑफ मिलेगा ऑन टॉप ब्रांड्स फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। 20% कैशबैक मिलेगा आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पे, 30 डेज इजी रिटर्न है ऑन फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो आज का जो वीडियो है मैं यही खत्म करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।